हाय फ्रेंड्स, तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वीवो का T2 प्रो स्मार्टफोन है उसमें आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, वॉयस के साथ वॉयस ओवर भी कर सकते हैं, या फिर आपको सिस्टम जो साउंड होता है उसके साथ भी आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और साथ ही मैं इसे बताऊंगा कि आपने वॉयस के साथ अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करना है ऑन तो कैसे करना है, कैसे सेटअप करनी है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल चले ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर और वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप अपने वॉयस के साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर दिखे तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ वीवो T2 प्रो जो कि एक न्यू स्मार्टफोन निकला था, उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करते होंगे तो आपको प्रॉब्लम आती होगी ये कि आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप वॉइस अगर देना चाहते हैं तो वॉइस नहीं आ रहा, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को फिक्स करके आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो उसके साथ अपना वॉइस ओवर को भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, यानी कि दोनों एक साथ आप रिकॉर्डिंग कैसे कर पाएंगे अगर आपको करने नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो कि सेटिंग्स वाली एप्लीकेशन होती है उसे आपको ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट एसबिलिटी अल्ट्रा गेम मोड के नीचे आपको शॉर्टकट एसबिलिटी आपको दिख रहा हो, तो शॉर्टकट एसबिलिटी पर आपको क्लिक कर देनी होगी। शॉर्टकट एसबिलिटी पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इस कैप्चर करके एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो इस कैप्चर पर आपको क्लिक कर देनी होगी। इस कैप्चर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारा का जा रहा है सेटिंग्स मैं बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियोज बना चुका हूँ तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो रिकॉर्ड साउंड पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट में आपको सिस्टम ऑडियो करके एक ऑप्शन दिख रहे होंगे, सेकंड में आपको माइक्रोफोन ऑडियो दिख रहे होंगे और थर्ड में आपको सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड दिख रहा हूँ। तो फर्स्ट का क्या काम है कि जैसे आपका फोन से साउंड आ रही है वो सिर्फ आपको फर्स्ट में रिकॉर्ड होगा सिस्टम ऑडियो कीजिएगा तो, और सेकंड में माइक्रोफोन ऑडियो जैसे कि आप वॉइस आप बोल रहे हैं वो आप रिकॉर्ड होगा, जिसके बाद आपका वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको आप जो बोल रहे हैं वो वॉइस भी आपको रिकॉर्ड होगा, तो सेकंड वाले पे क्लिक करना। और थर्ड में जो ऑप्शन है सिस्टम ऑडियो एंड जहाँ पे माइक्रोफोन साउंड दिख रहा है इसमें दोनों रिकॉर्ड होगा, आपका सिस्टम वाला भी साउंड रिकॉर्ड होगा और प्लस में आप जो बोल रहे हो वो भी आपको साउंड रिकॉर्ड होगा। और थर्ड में आपको यहाँ पे सॉरी फोर्थ में आपको नन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको साउंड रिकॉर्ड होगा ही नहीं, तो आप जो भी चूज करना चाहते हो वो चूज कर लीजिए। बेटर आपको होगा सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन ऑडियो, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद इमेज क्वालिटी होगा, तो इमेज क्वालिटी को आपको हाई रखनी होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, क्योंकि आपको बेटर क्वालिटी का फोटोज यानी कि आपको वीडियोज बन सके। तो इस तरह का आप अपने सेटिंग्स को सॉल्व कर सकते। तो वीडियोज अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।